हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ ये ब्रॉन्जी न्यूड मेकअप लुक शेयर करने वाली है, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये पर्पल का प्राइमर लिया है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो हमारे मेकअप को ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और समर आ गए, तो आप अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करें। ड्राई स्किन है तो आप कोई भी हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर सकते हैं। अपने करेक्टर करने के लिए मैंने यहाँ पे एलेगल का ऑरेंज करेक्टर लिया है। और ये अगर आपके पिगमेंटेशन नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके स्पॉट वगैरह या फिर पिगमेंटेशन नहीं है तो आप इसे ना यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं। अपने करेक्टर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर रही हूँ पाउडर की मदद से, ताकि ये फाउंडेशन में मिक्स ना हो जाए। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूरोप गर्ल का फाउंडेशन लिया। इसमें जो मेरा शेड है वो है नॉर्मल, तो मैं इसे भी एक ब्रश की मदद से लगा रही हूँ और अपने फेस, नेक और ईयर पे लगाऊंगी। आप भी अपने ईयर पे और नेक पे ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपकी स्किन अनइवन दिखेगी, नेक अलग दिखेगा और फेस अलग दिखेगा। तो मैं इसे ब्रश की मदद से ही लगा लूँगी। तो आप कभी भी फाउंडेशन लगाए तो अपनी जो हेयर की डायरेक्शन है उसमें लगाए, और फिर फाउंडेशन लगाने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँ। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा ईजी लगता है फाउंडेशन या कंसीलर लगाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज किया। अगर आपको आप ब्रश के साथ कम्फर्टेबल है तो आप सिर्फ ब्रश यूज कर सकते हैं। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे एलेगल का कंसीलर यूज किया। इसमें जो मेरा शेड है वो है मीडियम बेज। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर आपको ऑन डिस्काउंट 500 या इससे कम में भी मिल सकता है। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ, मैंने इसे अपने आईलिड पे लगाया एज अ प्राइमर, और अपने अंडर आई एरिया पे लगाया ताकि वो थोड़ा बहुत जो डार्क सर्कल है वो हाइड हो जाए, और अपने अपने आईब्रो के ऊपर लगाया है। तो अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का कॉम्पैक यूज कर रही हूँ। और इसे मैं एक बड़े ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, नेक पे लगा लूँगी। ये जो ब्रश है मैंने इसे अमेजोन से लिया था 240 रुपीज़ में। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे जैकलिन हिल आई शेडो पैलेट लिया है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, 400 के अंदर मिल गया था मुझे। तो इसमें मैंने सबसे पहले ये ट्रांजिशन शेड लिया है, तो इसे मैं अपने आईलिड पर लगाऊँगी, क्रीज लाइन में लगाऊंगी, सॉरी आईलिड पे नहीं, अपने क्रीज लाइन में लगाऊंगी। फिर मैंने यहाँ पे ये रस्टी रेड कलर लिया, इसे मैं अपने आईलिड पे लगा रही हूँ, अपने इनर कॉर्नर से लेके अपने आउटर कॉर्नर तक, अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक। फिर ये डार्क ब्राउन शेड लिया, इसे भी मैं अपने मैंने जो रस्टी रेड कलर लिया था उसके ऊपर लगा रही हूँ, अपने आउटर कॉर्नर से लेके अपने इनर कॉर्नर तक ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन लुक के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर का यूज किया। ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क किया कंसीलर, ताकि वो जो भी हास है वो ब्लेंड हो जाए, और सेम डार्क ब्राउन को अपने लोअर लैश लाइन में लगाया है। फिर ये ब्रॉन्जी सिमरी शेड लिया इसे, तो इसे मैं अपने सेंटर आईलिड तक लगाऊंगी, मतलब हाफ आईलिड तक, और फिर उसके ऊपर ये मैं लगाऊंगी। ये सैम्पियन शेड है, इसे मैं अपने सिर्फ सेंटर आई लिड पर लगाऊंगी। आई लाइनर के लिए मैंने स्टे क्वर्की का आईलाइनर लिया, इससे मैं एक बिंग लाइनर लगाऊंगी। तो ये लाइनर अच्छा है, स्केच लाइनर काफ़ी इजी हो जाता है बिंग लाइनर लगाने के लिए। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा लिया है, तो आप समर आ गए तो कोई भी वाटर प्रूफ मस्कारा लगाएं, और मेबलिन के मस्कारा काफ़ी अच्छे हैं, आप कोई भी मस्कारा ले सकते हैं। मेबलिन में आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएगा, और अंडर 500 में आपको कई मस्कारा मिल जाएंगे मेबलिन में। अपनी आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे सिवाना कलर्स का ये पैलेट लिया है, वो आईब्रो किट लिया है। इसमें दो शेड मिलते हैं आपको, एक ग्रे मिलता है, एक डार्क ब्राउन शेड मिलता है। तो यहाँ पे मैं जो ब्राउन शेड है उसकी मदद से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी, और मैं एक जो भी मेरी आईब्रो की शेप है मैं उसी में करूँगी फिल करूँगी, और इस पुली की मदद से अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी। कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पे एलेगल का प्रो कॉम्पैक यूज किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये कॉम्पैक के लिए। ये कॉम्पैक है वैसे, लेकिन मैं इसे ब्रॉन्जर की तरह यूज करती हूँ, और ये मुझे इस कलर जो है इसका बहुत अच्छा लगता है। तो ये ब्रॉन्जी लुक है, तो इसलिए मैं थोड़ा हार्श ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो।
ब्लश के लिए यहाँ पे मेवलिन फिट मी का ब्लश लिया, तो मैं बहुत लाइट ब्लश लगाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो मेकअप है वो कॉन्ट्रोर पे ज़्यादा फोकस हो। अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने फेस स्कैनर का ये सेटिंग स्प्रे लिया है, आप इसे प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये कॉन्ट्रोर किट लिया, इसमें आपको हाइलाइटर ब्लश और ब्रॉन्जर मिल जाएगा। इसका ब्रॉन्जर टूट गया, वो मेरे फेस के लिए लाइट भी था तो मैंने उसे फेंक दिया, तो इससे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे हाइलाइटर लगा लूँगी। फिर मैंने यहाँ पे कैमियो का लिप पेंसिल लिया, इसे मैंने अपने लोकल मार्केट में से लिया था 20 या 30 रुपए में, तो इसका मुझे शेड नहीं पता। आप कोई भी अपनी पसंद का लिप लाइनर यूज कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने यूज कर लिया। मैं बहुत कम लिप लाइनर यूज करती हूँ वैसे। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एन बाई बे की लिपस्टिक लिया, इसमें जो मेरा शेड है वो है 15। बहुत अच्छा न्यूड कलर है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे हल्का हल्का लगाया, बहुत पिगमेंटेड है। तो मैं यहाँ पे काजल भूल गई थी, मुझे बहुत लास्ट में याद आया। तो काजल के लिए मैंने यहाँ पे प्लम का काजल लगाया है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप आपको मेरा आज का मेकअप लुक पसंद आया हो। गाइस, अगर आपको मेरा पसंद आया है मेकअप तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।